जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल मैथ क्लास फॉर एग्जाम में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो दोस्तों आज फिर से स्लेटर क्वेश्चन लेके आया हूं, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। तो दोस्तों बने रहें, पूरा का पूरा व्यू कीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बने रहें, ठीक है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, एक व्यक्ति शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह ऊर्ध्वाधर प्रभाव से जाने में और अनुप्रवाह दिशा में जाने में तुलना में 3 घंटा अधिक समय लेता है, तो दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों मान लेते हैं वन का सॉल्यूशन कि माना कि दूरी बराबर, दूरी को मान लेते हैं x, ठीक है। और जब धारा की दिशा में बोला जाए दोस्तों, तो नदी में क्या होता है कि जिस दिशा में पानी बह रहा है उसमें क्या होगा, अगर नाव जा रहा है उसी दिशा में तो क्या होगा, नाव की गति जो है वह बढ़ जाएगा, और जिस दिशा में पानी जा रहा है नदी में उसके विपरीत दिशा में होगा तो क्या होगा, नदी के नाव के चाल को क्या करेगा, ना घटा देगा, ठीक है। तो इसमें भी वही ध्यान देना है, इसमें लिखा है ऊर्ध्वाधर, उसमें अनुप्रवाह, इस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो जब धारा की दिशा में जाएगा तो क्या होगा, ना चाल जो है वह घटा देगा, तो धारा का चाल, धारा का चाल दिया हुआ दोस्तों ना 2 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। और शांत जल में नाव की चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो फॉर्मूला लिखते हैं ना समय बराबर समय, ये फॉर्मूला होता है। तो दोस्तों ना मान लिया दूरी इक्वल टू एक्स, तो समय बराबर समय, तो ये दूरी है, और नाव जो है वह धारा के लिखा हुआ है ऊर्ध्वाधर प्रभाव में। ऊर्ध्वाधर प्रभाव मतलब क्या होता है, ना नदी के विपरीत दिशा में जिधर पानी जा रहा है उसके विपरीत दिशा में जो जाएगा तो क्या होगा, ना 10 का स्पीड से जा रहा है और उसमें क्या करेगा, ना माइनस कर देगा उसका चाल को, कौन, ना धारा की चाल। धारा नदी के विपरीत दिशा में अगर जाता है तो उसका जो स्पीड है वही स्पीड जो है वह घटा देगा उस पर, और माइनस इक्वल टू माइनस, और क्या है ना अनुप्रवाह, अनुप्रवाह का मतलब यह होता है कि धारा की दिशा में, तो क्या होगा ना चाल इसका जुड़ जाएगा, तो नाव का चाल है, नाव का चाल 10 दिया हुआ है और धारा का चाल कितना दिया हुआ है ना 2, तो यही 2 जुड़ जाएगा और ये 3 घंटा का समय लगता है, तो ये पूरा इक्वल टू समय, इक्वल टू समय हुआ, ठीक है। तो यहाँ 2 कंडीशन लिखा गया दोस्तों, अनुप्रवाह और एक ऊर्ध्वाधर प्रभाव। तो ऊर्ध्वाधर में क्या होता है ना घटेगा, और अनुप्रवाह मतलब चाल, पानी का पानी जो है नाव के चाल को बढ़ा देगा, ठीक है। और इससे इसी का बीच का डिफरेंस इसका 2-3 घंटा दिया हुआ है, यानी समय बराबर समय। तो समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, तो ये हो गया दूरी बटा चाल, यहाँ दूरी बटा चाल, इसी का बीच का अंतर 3 घंटा दिया हुआ है। अब इसको हल करना दोस्तों, तो x बटा 8 माइनस x बटा 12 इसकल टू 3। अब 8 और 12 का एलसीएम लेंगे दोस्तों ना 24 होगा, अब 8 से भागा देंगे 8 या 24, 3 आएगा, 3 को x से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, माइनस 12 से भागा देंगे 24 को, 2 आएगा, 2 को x से गुना करेंगे तो 2x इक्वल टू 3 होगा बाय 1, ठीक है। अब 3x में 2x घटेगा कितना हो जाएगा ना x बाय 24 इक्वल टू ना 3 बाय 1, x को 1 से मल्टीपल करेंगे दोस्तों ना x होगा, और 24 को 3 से गुना करेंगे तो 72 क्या होगा ना किलोमीटर होगा, क्योंकि यही दूरी माने थे और दूरी जो है किलोमीटर में होगा, और यही इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों बी होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं बाय रूल्स फॉलो करके। क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, 1/20, 12/5, 21/6, 9/4, 8, 18/3 का मोस्ट ऑफ का क्या होगा, यानी एच सी एफ निकालना दोस्तों। तो क्या क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 1/20, 12/5, 21/6, 9/4 और 18/, तो ये दिया हुआ दोस्तों। निकालना क्या है ना एच सी एफ निकालना है, तो एच सी एफ क्या होगा दोस्तों ना, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर, तो क्या होगा ना अंश का एच सी एफ बाय हर का एल सी एम, ये फॉर्मूला होगा दोस्तों, ठीक है। अगर यहाँ एलसीएम निकाला जाए तो अंश का एलसीएम होगा बाय हर का एचसीएफ होगा, ये फॉर्मूला याद रखना दोस्तों, अगर एलसीएम निकाला जाए तो। लेकिन यहाँ एचसीएफ निकालना है तो ये फॉर्मूला होगा, अब लिखा हुआ अंश का एचसीएफ, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है ना हाई कॉमन फैक्टर,
यानी जो जितना दिया हुआ सब में कॉमन वही निकलना चाहिए, वही एच सी एफ होगा। तो यहाँ एक है, 12 है, 3 है, 9 है, 18 है, तो एक कॉमन फैक्टर जो है वह एक निकलेगा। तो ये हो गया एच सी एफ। और एल सी एम क्या होगा ना, 20, 5, 6, 4 और 3 का एल सी एम निकालना है। तो एल सी एम निकलेगा दोस्तों ना 20 निकलेगा, ठीक। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, हर का एलसीएम जो होगा वह 20 ही होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि 20, 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 20 नहीं होगा, ज्यादा होगा। लेकिन यहां देखिए कि 3 × 6 = 18, यानी यहां होगा ना 6/1। क्या होगा, यहां भी काट सकते हैं इसको, 3 से काट देंगे तो कितना जाएगा ना, 3 × 6 = 21। अब निकलेगा ना 20, 5, 2 और 4 का जब निकालेंगे तो एलसीएम होगा 20, और यही इसका आंसर होगा। और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, और इसका ऑप्शन नंबर जो होगा वह एक होगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो इसमें यही थोड़ा ध्यान देना दोस्तों कि जो भिन्न होता है यानी फ्रैक्शन होता है उसको अगर कटता है तो काट के छोटा करना है, ठीक है, तब जो है निकालना है, ठीक है, तब डायरेक्ट निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। तो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों, यदि एक सम बहुभुज के आंतरिक कोण का मान 180 डिग्री है तो इसकी कितनी भुजाएं हैं ये निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखना है दोस्तों कि फॉर्मूला आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है, जिसमें से आंतरिक कोण का मान दिया हुआ है 108 डिग्री प्लस बाह्य कोण को मान लेते हैं दोस्तों ना थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों ना 180 डिग्री, और यहां 108 है, यहां प्लस में उधर जाके माइनस हो जाएगा 108 डिग्री, और घटाएंगे कितना हो जाएगा ना 72 डिग्री होगा ये थीटा का मान दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। ना भुजा की संख्या निकालना है, भुजा संख्या क्या होगा तो फॉर्मूला होता है ना 360 डिग्री बाय थीटा। अगर आप ये फॉर्मूला याद रख लें दोस्तों तो 100% इससे इजी और इससे आसान नहीं हो सकता है, अगर ये याद रख लिए तो। इससे भी अगर फॉर्मूला में देखेंगे तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये फॉर्मूला याद रखते हैं तो हर क्वेश्चन हम इस तरह का अगर हर क्वेश्चन रहता है तो निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यह है कभी कभी बाह्य कोण दिया रहता है तो आंतरिक कोण निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण इक्वल टू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला लगाना है। तो क्या है ना 360 डिग्री बटा थीटा दिया हुआ है, थीटा का मान निकला हुआ है 72 डिग्री। आप 36 से काट सकते हैं तो 10 बार में जाएगा, 36 दूनी 72 होगा, और 2 से काट सकते हैं ना 5 बार में, तो 5 जो होगा वह भुजा की संख्या होगा। और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा। तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, दो फॉर्मूला याद रखें कि आंतरिक कोण प्लस बाह्य कोण 60 डिग्री और भुजा की संख्या इसका 360 डिग्री बाय थीटा, ठीक है। यदि दो क्रमिक छूट 40% और 20% दी जाती है तो कुल छूट क्या है ये निकालना दोस्तों। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा कि कुल छूट इसका टू फॉर्मूला ना x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीपल वाई बाय 100, ये फॉर्मूला याद रखिएगा दोस्तों। तो पहला छूट दिया हुआ है ना 40%, तो लिखेंगे माइनस 40%, फिर माइनस 20% दूसरा छूट दिया जा रहा है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा ना प्लस, फिर 40 मल्टीपल 20 बटा 100, ये फॉर्मूला होगा। अब कितना होगा दोस्तों, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 40 प्लस 20 कितना हो गया ना 60 होगा, दोनों में बड़ा कौन है ये, तो इसका साइन यहाँ रहेगा, फिर प्लस ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, ये जीरो इसके साथ कट जाएगा, तो 4 × 2 = 8 हो जाएगा दोस्तों। अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो 60 में 2 घटाना है दोस्तों, कितना हो जाएगा ना 52 डिग्री होगा माइनस, ठीक है। तो कितना होगा ना माइनस 52 डिग्री का छूट होगा। इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह सी होगा। अब इसमें ध्यान देना दोस्तों कि माइनस क्यों आया, तो माइनस का मतलब ये होता है कि छूट, ठीक है, यानी घटाना है, तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक संख्या 3/5 भाग का 2/3 42 है तो उस संख्या का 1/3 ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि वह संख्या इक्वल टू एक्स, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यानी क्वेश्चन में जो बोला जाएगा उसी का फॉलो करना है, ठीक है। तो वह संख्या का 3/5 भाग
तीन बटा पांच भाग का दो तिहाई 42 है, यानी दो तिहाई यानी 2/3 इक्वल टू 42 दिया हुआ है। ठीक है, तो ये तीन और तीन कर सकते हैं, इसे कर सकते हैं 21/12 में। तो x को 1 से गुना करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 रहा, तो वह x को 1 से गुना करेंगे तो x हो जाएगा, और 5 को 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 105 हो जाएगा, ये निकला x का मान। अब फिर क्या लिखा हुआ दोस्तों कि उस संख्या का एक तिहाई क्या होगा, तो ये संख्या निकल गया क्योंकि x का मान निकाले थे, इसका एक तिहाई निकालना, तो 1/3, तो 3 × 9 = 15, तो जो निकलेगा वह 35 होगा, और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह डी होगा। तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक दुकानदार अपने सामान मूल्य के क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है और 20% छूट देता है, तो उस लाभ या हानि प्रतिशत क्या है, ये निकालना दोस्तों। तो पहले लिखते हैं ना MRP, कॉस्ट प्राइस एंड सेल प्राइस। तो MRP का मतलब क्या होता है ना, मार्क रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि एक दुकानदार सामान मूल्य का क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है, तो क्रय मूल्य को मान लेते हैं 100, इसमें 30% अधिक अंकित करेगा मतलब 130। ठीक है, ये हो गया। अब क्या लिखा हुआ है कि वह 20% का छूट देता है, तो जब भी छूट मिलता है तो वह इस पर मिलता है, तो इस पर 20% को छूट लेता है, मतलब अगर 20% का छूट देता है मतलब वह हमसे 80% लेता है, तो 80% इज इक्वल टू व्हाट, ये जीरो के साथ, ये जीरो के साथ, 13 × 8 = 104, यानी सेल प्राइस जो होगा वह 108 का, 13 × 8 = 104 होता है, यानी 4 होगा। ठीक है, 13 × 8 = 104 होगा, यानी सेल प्राइस निकल गया दोस्तों। तो खरीदा कितना में, 100 में, और बेच रहा कितना है ना, 104 में, तो प्रॉफिट हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है ना, 4 का हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है दोस्तों ना, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है ना, 100 × 100 होता है, ये 0 0 उसके साथ कट जाएगा, यानी 4% का जो है प्रॉफिट हो रहा है, और इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों ए होगा, लाभ परसेंट। ठीक है, श्री अरुण ने चक्रवृद्धि ब्याज पर 4% वार्षिक दर पर 6,500 रुपये उधार लिए, 2 वर्ष के लिए वार्षिक रुपए दे चक्रवृद्धि ब्याज है, ये निकाला दोस्तों। तो पी का मान दिया हुआ है ना 6,500, और आर का मान दिया हुआ है 4%, और समय दिया हुआ है दोस्तों ना टू ईयर्स। ठीक है, तो सीआई निकालना है, सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 2 ईयर का रूल होता है दोस्तों ना 2 × 1, इससे मल्टीपल करना है। ठीक है, 500 का 4% निकालेंगे, तो 6,500 का 4% निकालना है दोस्तों, तो ये जीरो उसके साथ कट जाएगा, तो 5 × 4 = 20 का 0, और 6 × 4 = 24 = 25 = 26 260 हो जाएगा, और 2% का, 2 ईयर्स का मतलब होता है कि 2 बार निकालना होता है। अब ना 260 का फिर 4% निकालना है, तो ये जीरो उसके साथ कट जाएगा, तो 6 × 4 = 24 = 4, और 4 × 2 = 8 = 10, और 1 0 था 1 पॉइंट दे देंगे, ये करना है, और यहाँ 260 आया दोस्तों, तो 260 यहाँ गुना करना है, 260 गुना करना है, तो कितना हो जाएगा, 0 × 6 = 12 × 2 = 4 = 5 = 520 आया, फिर इसमें भी 10.4 आया गुना करना है, तो कितना हो जाएगा ना 10.4 ही हो जाएगा। तो सी आई का फॉर्मूला दोस्तों ना कितना है ना 520 + 10.4, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा ना 530.4, ये इसका सी आई होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, और यही इसका आंसर होगा, इसका ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो होगा वह ए होगा, और रुपए में होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं इजी से और आसानी से। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, एंड दोस्तों इसी तरह व्यू करते रहिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज के इतना ही, जय हिंद जय भारत।